2024, and I work so many things, hard work, and see I did myself. Then we can meet in my routine again in the vlog. Hello guys, so jaisa Hanu ne bataya ki हम सुबह से उठ के सब कुछ फैशन अप वगैरह होके अभी एक टास्क मिला था कि पिलो कवर चढ़ाना है फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारे टास्क को कंप्लीट किया। ये देखिए इतने सारे पिलो कवर, दो पिलो, दो कुशन और एक स्मॉल कुशन, फाइव फाइव कवरिंग इन्होंने कंप्लीट की है एंड ही डिड वेरी वेल, है कि नहीं। अब चलते हैं, हम लोगों ने तो शावर भी ले लिया है, अब चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने, है कि नहीं। हेलो, क्या खाएगा ब्रेकफास्ट बेटा? मैं चलो ठीक है, आप मत सोचो, मम्मा सोच लेंगे। कौन सा टीथ? ओह, अनु इज लुकिंग सो क्यूट। तब आपको पेन तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, ओके। तो फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट टेबल में आते हैं। तो गाइस, हम लोग का मन है आलू का पराठा खाने का, तो मैं रुचिका की थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी उसकी तबीयत डाउन है, तो बस वीकेंड में थोड़ी बहुत हेल्प करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पूरे वीकडेज में थक जाती है, तो एक्सपेक्टेशन होती है। या तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप बाहर खाने चले जाइए, या अगर घर में है तो घर में थोड़ी हेल्प कीजिए तो घर का माहौल अच्छा बना रहता है। ये देखिए आलू, मैंने मैश आलू उबाल के रख दिया था रुचिका ने, मैंने मैश किया है, मतलब मैं मेरा काम बस ये प्रिपेयर कर देंगे, ये चीज़ जो स्टफिंग होती है उसमें भी हेल्प लेंगे उसकी, हम पूछ के करेंगे। बट हाँ, ये धनिया वनिया सब जो है ना, ये सब मैं कर देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया अगर पराठे में पड़ा रहा तो अच्छा होता है, मज़ा आता है खाने में। तो चलिए हेल्प अच्छे से करते हैं और पराठा बन जाता है तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग का नाश्ता आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया है और ये देखिए फेवरेट मेरा ब्रेकफास्ट है तंदूरी आलू का पराठा, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने सुखदेव या किसी हाईवे ढाबा पे खाते हैं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, इनका नॉर्मल वाला पराठा था जो तवा पराठा, और ये उसका घर पे गैस पे ही बनाती है, बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए ऊपर से बटर हम लोग यूज़ करते हैं, ये सफ़ेद वाली बटर यूज़ करते हैं, इसका अलग टेस्ट आता है। और ये हमारी चाय रेडी हो गई है, चलिए पराठे को एंजॉय करते हैं। ये देखिए हमारा करारा पराठा। और आपका कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? चलिए तो ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे रुचिका जी भी आ गई हैं हम लोग को ज्वाइन करने। पराठे के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि सब लोग एक साथ नहीं खा पाते हैं। अब हम लोग पहले खा लिए तो रुचिका ने गर्म गर्म सर्व किया और लास्ट में खाना पड़ा, तो पराठे गर्म ना खाओ तो बेचारा। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो गाइस, यहाँ ब्रेकफास्ट करके हम लोग का मन किया कि कुछ मूवी वगैरह देखा जाए। हाँ, कल हम लोग ने फुल रेस्ट किया, पहले था कि कहीं जाएंगे बाहर, लेकिन शाम को हम लोग को जाना ही है, तो हम लोग के दिन में थोड़ा आराम किया जाए। तो बस हाँ, वैसे मुझे डिस्पेक्टेबल लीफ देखना था, तब
मैं कैंसिल कर दिया अपना, तो मैं छोटे भी या बड़े भी या तो मैंने कल स्टार्ट की थी मूवी, थोड़ा सा ट्रेलर देखा था तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी। आधे घंटे के आसपास हम लोगों ने इस मूवी को देख लिया, छोटे मियां बड़े मियां। जब मूवी आई थी रिव्यू बहुत ही खराब था, बट मुझे घर पे देखने में तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई है, थोड़ी देर में पॉपकॉर्न भी आएगा। ये लीजिए रुचिका जी अपनी। हनु को क्या मिलेगा? हनु को मिलेगी लस्सी थोड़ी देर में, ठीक है? जब भूख लगेगी तो बताना बेटा। तो चलिए हम लोग करते हैं मूवी को एंजॉय। गाइज हम लोग आ गए गाड़ी में और हनु को थोड़ी एक्टिविटी क्लास कराने के लिए लेके जा रहे हैं आज। और अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मिस्टर DIY, थोड़ा सामान लेना है वहाँ से हनु के लिए, फिर सामान लेके फिर इसको एक्टिविटी क्लास लेके जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हम आ गए हैं मिस्टर DIY। यहाँ पे मुझे हनु के लिए एक गॉगल्स लेना था क्योंकि उसका पुराना गॉगल्स टूट चुका था, तो उसे गॉगल्स की ज़रूरत थी, तो बस हम वही ले रहे हैं यहाँ पे। और मुझे अपने लिए यहाँ से रबर बैंड लेना था क्योंकि यहाँ के रबर बैंड मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही ले रही हूँ अपने लिए। तो गाइज हनु की एक्टिविटी क्लास ओवर हो गई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। एक्चुअली आज मैंने थोड़ी क्लीनिंग की थी घर की क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है सावन, तो मैंने कहा किचन और घर की थोड़ी अच्छी सी क्लीनिंग कर ली जाए। तो जितने भी पुराने डोरमैट थे वो रफ हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। तो मुझे कुछ डोर मैट्स न्यू चाहिए थे, तो मैं वही लेने जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। तो संडे है तो मैंने कहा चलो थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। और आज फिर सरप्राइज मेरा क्योंकि और गुरु पूर्णिमा भी है। हाँ, तो आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू हनु याद दिलाने के लिए। और कल से स्टार्ट हो रहे हैं सावन, और आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों सावन का फास्ट कौन कौन रहता है मंडे का। तो बस अच्छा लग रहा है क्योंकि सावन का महीना तो खुशियों का मौसम होता है, क्योंकि आज फिर सरप्राइज डे है, बताओ। तो गाइज यहाँ पे हम आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ी कुर्ती देखने लगी थी। वो एज यूजल होता है ना कि लेडीज किसी भी काम के लिए कहीं भी जाएं वो सबसे पहले अपने लिए सामान भी देखने लगती हैं साथ में, तो वही मेरा भी हाल है। मैं डोर मैट लेने आई थी तो मैं डोर मैट देखा मैंने, प्लस अपने लिए थोड़ा सा डेली यूज़ डेली वियर के लिए मैं देखने लगी थी कुर्तियाँ। और यहाँ पे भी वैरायटी हैं कई सारी, बट क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि सारी चीज़ों में क्वालिटी नहीं अच्छी मिलेगी आपको। थोड़ा रीज़नेबल होता है प्राइस, और यहाँ पे जो किचन के आइटम है प्लस होम डेकोर भी कुछ कुछ वो आपको मिल जाएंगे। क्रॉकरी भी यहाँ मिल जाती है, अच्छी होती है। तो मैं बस सब कुछ एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या है, और यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन एकदम पॉट्स हैं सारे। तो मैंने यहाँ से 2 पॉट लिए, मुझे बहुत पसंद आए यहाँ के। एक्चुअली मुझे अपने रूम के लिए लेने थे पॉट्स, तो मैं वही देख रही हूँ। और मैं यहाँ पे शॉपिंग करने में लगी थी और हनु अपनी मस्ती में लगा था। वो उसको बहुत बोरिंग लगता है कि मामा शॉपिंग कर रही है और मैं बोर हो रहा हूँ, उसको समझ में ही नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो कुछ भी सामान छूता है तो मैं उसे फिर बोलती हूँ कि हनु ये मत छूओ, हनु वो मत छूओ, तो बच्चा क्या ही करे साथ में। तो बस अपना गेम खेल रहा था। और यहाँ मैंने डोर मैट्स ले लिए और प्लस मैंने कुछ किचन के आइटम्स भी लिए अपने लिए। और यहाँ पे रत्नेश मुझे बस यही बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी सामान लेने आती हो उससे ज़्यादा सामान लेके जाती हो। ये तो हर हस्बैंड की कहानी है, जैसा कि मैं कह रही हूँ आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, कि वाइफ और हस्बैंड की नोकझोंक तो चलती ही रहती है स्पेशली शॉपिंग करने में। हम लोग लेके आ गए हैं सामान घर के लिए, थोड़ा बहुत लेना था शॉपिंग की मैंने। और अब
हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ स्नैक्स खाया जाए या अर्ली डिनर किया जाए, और मेरा मन है वड़ा पाव खाने का। मैं सोच रही हूँ कुछ स्नैक्स खा लूँ, बट कल हमारा फास्ट भी है तो सोच रही हूँ अर्ली डिनर ही कर लूँ फिर। और यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं मदन रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी होता है, और एक बार मैंने आपको और दिखाया था कि मैं यहाँ पूरी सब्ज़ी खाने भी आई थी, बट हाँ उस दिन थोड़ा कम टेस्ट था मॉर्निंग में। अभी तो डिनर का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी रश है इनके रेस्टोरेंट्स में। तो यहाँ पर मैं और हनु डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है। हनु सबसे पहले मेन्यू लेके बैठ जाता है और वो डिसाइड करता है उसे क्या खाना है। अब वो बड़ा हो गया है तो वो सब चीज़ें रीड करके समझ के तब ऑर्डर करवाता है, जिसे कि देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, और हमने ऑर्डर की थी थाली। यहाँ की थाली बहुत ही टेस्टी होती है, तीन तरह की थाली होती है यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मंगाना चाहें अगर मंगा सकते हैं। और बस अब हम लोग का डिनर ओवर हो गया है, हम लोग अब निकल रहे हैं घर क्योंकि है कल हनु का स्कूल। तो बस ये जैसे कि संडे स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी बताइए कि आपने अपना संडे कैसे स्पेंड किया। तो गाइस मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।